हाय दोस्तों आगे वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अब जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन दे दिया है उनके मन में सबसे पहला सवाल आपके सामने सीए me, होगा और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई बच्चों के दिमाग में ये पांच सवाल पांच क्वेश्चन बार बार अराइज कर रहे हैं मैंने आपके इन पांच क्वेश्चन के प्रॉपर डिटेल में आंसर तैयार करे हैं प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड वेरी यूजफुल भैया कि सी ए फाउंडेशन सेप्टेंबर ट्वेंटी फोर के बाद हमें क्या करना चाहिए चलिए सारे बच्चे पहला सवाल जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है सर हमारा एग्जाम अटेम्प्ट अगर हम इंटर का करते हैं तो कब बनेगा देखिए अगर आप सपोज कर लीजिए सी ए फाउंडेशन सेप्टेंबर ट्वेंटी फोर के स्टूडेंट हैं और आप सपोज कर लीजिए अपना इंटर का अटेम्प्ट अगर काउंट करेंगे तो याद रखना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या सर हम लोग वहां पर जो जून वाला अटेम्प्ट होता है वो दे सकेंगे नो बेटा एट मंथ्स का स्टडी पीरियड चाहिए होता है तो आप लोगों का अटेम्प्ट सितंबर 25 में ही बनेगा सो so, एक चीज पहले अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लेना दैट योर अटेम्प्ट फॉर सीए इंटर विल बी सितंबर 25 दैट्स द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन यू आर आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू सर सीए इंटर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं भाई देखिए फटाफट से बता देता हूँ सीए इंटर के अंदर ना हमारे पास ग्रुप वन होता है और ग्रुप के अंदर हमारे पास पहला पेपर होता है दैट इज कॉल्ड एज एडवांस अकाउंटिंग याद रखना ग्रुप वन पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग हंड्रेड मार्क्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव पेपर इसमें थर्टी परसेंट एमसीक्यूज और सेवेंटी परसेंट डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में पेपर आता है याद रखिएगा थर्टी परसेंट एम एंड सेवेंटी परसेंट डिस्क्रिप्टिव पैटर्न हमारा जो पेपर टू है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट मार्क्स का पेपर है याद रखना भाई और इसमें आपके पास दो सेक्शन है वन सेवेंटी मार्क्स का आता है कंपनी लॉ और एल और दूसरा आता है अदर लॉज वो आता है थर्टी मार्क्स का एंड मोर ओवर गाइड्स अगेन द थर्टी सेवेंटी रेशियो इज द सेम कि थर्टी परसेंट एमसी एंड सेवेंटी परसेंट डिस्क्रिप्टिव तो पेपर थ्री है बच्चा ग्रुप वन के अंदर कॉल्ड टैक्सेशन टैक्सेशन आपका हंड्रेड मार्क्स का है इसको हम दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे one, law, 50 marks, जिसको हम भी बोलते हैं नंबर टू जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स फिफ्टी मार्क्स का एंड अगेन इज सेम थर्टी सेवेंटी का रेशियो रहता है तो बेटा ग्रुप वन आपका ये तीन पेपर को कंसिस्ट करता है बट इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं आपके पास जो सेकेंड ग्रुप का पेपर नंबर फोर है दैट इज कॉल्ड as CMA. CMA सी एम एज एक्चुअली कॉस्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन प्रैक्टिकल पेपर याद रखना हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है थर्टी परसेंट एमसीवेंटीड सी एम ए से टेंशन मत लीजिएगा इट इज लाइक अकाउंट्स ओनली तो घबराना नहीं है ऑडिटिंग और एथिक्स बच्चा ये एक थ्योरी पेपर है हंड्रेड मार्क्स का याद रखना इट इज जस्ट लाइक जैसे लॉ थ्योरी पेपर है वैसे ऑडिटिंग आपका एक थ्योरी पेपर होता है सो so, ऑडिटिंग और एथिक्स बच्चा आपका हंड्रेड मार्क्स का थ्योरी पेपर है सेम पैटर्न थर्टी और सेवेंटी का रेशियो इंटर में हर पेपर का पैटर्न बेटा सेम रहता है थर्टी सेवेंटी का रेशियो रहता है देन वी हैव एफ एम एस एम इसमें एफ एम एस फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद रखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दोस्तों याद रखना बच्चा फिफ्टी मार्क्स अगेन प्रैक्टिकल पेपर एस एम थ्योरी फिफ्टी मार्क्स तो अगर आप ध्यान से चेक करो तो हमारे पास यहाँ जो पेपर सारा चल रहा है इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो एडवांस अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल पेपर लॉ इज अ थ्योरी पेपर राइट टैक्सेशन इज एक्चुअली प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ याद रखना इट्स पी प्लस टी दैट इज प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल पेपर ज्यादा ऑडिटिंग इज अ थ्योरी पेपर एफ एम एस एम में बेटा ये प्रैक्टिकल होता है और ये वाला थोड़ा सा थ्योरी पैटर्न अब एक बात जो आपके लिए मेजर जानने वाली है बेटा जो आपका बेसिक चीज चाहिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है थर्टी so परसेंट जो आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं याद रखना दैट इज विदाउट नेगेटिव मार्किंग दैट्स गुड न्यूज फॉर अस ओके भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन थ्री हम लोगों ने आंसर करना है वट इज द क्वेश्चन थ्री आई डोल यू फाइव क्वेश्चन तो भैया पासिंग परसेंटेज क्या है याद रखना मिनिमम पास मार्क आपको चाहिए फोर्टी परसेंट इन ईच सब्जेक्ट याद रखिएगा फोर्टी परसेंट इन ईच सब्जेक्ट फिफ्टी परसेंट आपको एग्रीगेट चाहिए so say, बड़ा, अब यहां पर आपके पास जो चौथा क्वेश्चन है सर क्या मैं सी ए इंटरमीडिएट की क्लासेस अभी स्टार्ट कर दू कि मैं रिजल्ट की वेट करू दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर आप मुझे बताइए क्या सी ए इंटर की क्लासेस हम लोग अभी स्टार्ट कर दें कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे अभी बी कॉम के एग्जाम है कुछ बोल रहे हैं हमारे बीकॉम के हाउस टेस्ट भी है बेटा चिंता मत करो देखो डू नॉट मिक्स योर सी ए विद बी कॉम बी कॉम के आपके हाउस टेस्ट हैं बी कॉम के आपके एग्जाम हैं वो चलते रहेंगे राइट right? मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ दैट्स अ बिग क्वेश्चन सर मेरे को अगर सी ए इंटर की क्लासेस स्टार्टेड करनी तो बेटा अभी करें कि बाद में करें देखिए एक सिंपल सा फंडा है अब यहाँ पर आपके पास ना दो पैटर्न चलते हैं अब आपने एग्जाम दिया है अगर आप श्योर हैं कि आप सिक्सटी परसेंट या अबव चांसेस आपके माइंड में है कि आप क्लियर कर जाते हो तो भाई इमिडिएटली स्टार्ट कर लो एस एप इज एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपको फ़ायदा मिलता है हमेशा याद रखिएगा अर्ली स्टार्ट इज द अर्ली गेन ऑलवेज रिमेंबर तो भाई इसमें टेंशन मत लीजिएगा मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ हाँ बट अगर आपको लगता है कि आपके पास होने का चांस बिलो सिक्सटी परसेंट है तो भाई मैं रेकमेंड करूंगा डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी अपना रिजल्ट का वेट करिए राइट बट अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर पास हो जाते हैं सिक्सटी परसेंट या अबव आपको चांसेस हैं लाइक जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमारा अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया मैथ्स का अच्छा गया इको का अच्छा गया थोड़ा लॉ पेपर लेंदी आया था एंड ऑल दैट तो भाई ये अब आपको देखना है आपको एनालाइज करना है मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपको सिक्सटी परसेंट भी श्योरिटी है कि भाई हम पास हो जाते हैं तो भाई इमिडिएटली स्टार्ट कर लीजिए विदाउट डिले अपने टाइम को वेस्ट ना करें बिकॉज तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हो उतना आपको आगे वहाँ पर टाइम ज़्यादा मिलता है अच्छा मोर ओवर बच्चा जो पांचवा क्वेश्चन है सर जो बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि सर हम लोग लो बोध ग्रुप की तैयारी करेंगे कि सिंगल ग्रुप की करेंगे मेरे भाई एक चीज़ अभी क्लियर का आपको बता देता हूँ अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर आपको प्रेजेंट सिचुएशन में चुप चाप अगर आप तैयारी करते हैं तो अभी सिंगल ग्रुप की तैयारी करें पहले अपना रिज़ल्ट की वेट करें रिज़ल्ट आने के बाद अपना एक प्रॉपर प्लान बनाएं राइट जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद प्रॉपर प्लान बनाएँ अब देखिए ये डिपेंड करता है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कहते हैं सर हमारे पास सितंबर 2025 तक टाइम है हम बड़े आराम से छह सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी ऑफ स्टडिंग इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी ऑफ हार्डवर्क आप कितना हार्डवर्क प्लेस करना चाहते हैं अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो ऑब्वियसली गिविंग बोथ ग्रुप्स ऑलवेज हैव एन एडवांटेज याद रखना मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूं जो बोध ग्रुप का होता है ये बहुत कम टीचर्स आपको बताते हैं बट मेक श्योर sure आपको ये सेट ऑफ का एडवांटेज पता होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट ग्रुप में पेपर वन टू थ्री है ठीक है लेट्स से छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई इसमें आपके फोर्टी मार्क्स आ गए इसमें आपके फोर्टी मार्क्स आ गए ठीक है ये फोर्टी फोर्टी भैया 80 हो गया अपने को चाहिए सपोज कर लो बेटा वन फिफ्टी मान लो बच्चा इसमें आपके ना अराउंड सिक्सटी मार्क्स है अब आपका टोटल कितना बन गया अगर आप देखोगे भाई टोटल बना वन फोर्टी आउट ऑफ थ्री हंड्रेड अब प्रैक्टिकली आप बेशक हर सब्जेक्ट में फोर्टी फोर्टी स्कोर कर गए हो बट यू विल बी कॉल्ड एज फेल इफ यू अपेयर इन सिंगल ग्रुप अब अगर सपोज कर लो बेटा आपने ग्रुप टू दिया ग्रुप टू का पेपर फोर फाइव सिक्स है मान लीजिए बच्चा इसमें आपके से पोस्ट कर लो सिक्सटी मार्क्स आ गए मान लो बेटा इसमें आपके से पोस्ट कर लो फिफ्टी मार्क्स आ गए अब अगर मान लीजिए इसमें आपके सेवेंटी मार्क्स आ गए ठीक है सो भाई सिक्सटी फिफ्टी अगर आप देखते हो भैया एक सौ दस एक सौ दस और सत्तर एक सौ अस्सी आप स्कोर कर गए हो एक सौ अस्सी तीन सौ में से अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो टोटल छः सौ में से इफ़ यू चेक इट आउट टोटल 600 में से भाई आपने 320 स्कोर कर लिए हैं जबकि अगर 50 परसेंट चेक किया जाए तो 600 में से आपको चाहिए 300. आपने कितने स्कोर करे 320. मतलब जो यहां पर 10 मार्क की कमी थी वो इसके मार्क्स के साथ सेट ऑफ कर दी जाती है और आप बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर कर दिए जाते हो याद रखना विल बी एबल टू क्लियर बोथ द इफ यू ऑफ

मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने बी कॉम के एग्जाम्स कर रहे हो करते रहो दैट इज़ फाइनल बट एज सुन एज पॉसिबल जब भी आपका कोई भी आपका सी ए इंटर का पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है गो फॉर इट स्लोली मतलब उसको ये नहीं कि एकदम हमने रैपिडली करना है गो फॉर इट स्लोली राइट गर्स सो आई होप दिस पर्टिकुलर फाइव क्वेश्चन विल आंसर ऑल योर एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन टू आस्क कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है एवरीथिंग इज देर इन द वेबसाइट बट आई वुड रिकमेंड फॉर दैट वेट फॉर द रिजल्ट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ यह सब बिकॉज आई वुड रिकमेंड वेट फॉर रिजल्ट अब तुम्हारे मन में एक सवाल और उठने वाला है सर रिजल्ट का बारह बटा रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी आ जाएगा एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम डेट से अराउंड थर्टी डेज में वहाँ पर वो रिजल्ट निकाल लें राइट सो ऑल द बेस्ट गाइड वर्क हार्ड स्टे काम एंड कम्पोज एंड कीप ऑन वर्किंग गॉड बेस यू